एसआईटी की एक विशेष अदालत ने 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील आरसी कोडेकर ने कहा, सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने इस मामले को सभ्य समाज का सबसे काला दिन बताया। गौरतलब है कि गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में कोर्ट ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था और 36 को बरी कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या निर्ममता से कर दी गई थी। 27 फरवरी 2002 को गोधरा के पास 59 लोगों की हत्या के एक दिन बाद अहमदाबाद के चमनपुरा इलाके के गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसक भीड़ ने हमला किया था। 28 फरवरी 2002 को हुए इस हमले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग मारे गए थे। मार्च 2009 में जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा था। सितंबर 2009 को ट्रायल कोर्ट में गुलबर्ग हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई।